ताते मैं तो ही बर जाऊँ राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम वाणी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनो भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर को पही मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश होगा। और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गही नृप भाषा, द्विज गुरु कोप कहो को राखा। राखई गुरु जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। हो ही विप्रवस कवन विधि, कहो कृपा करी सो। तुम तज दीन दयाल निज हितु न देखो को। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनु नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि हो ही कि नाही। एही एक अति सुगम उपाय, तहां परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं। और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो, उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगुति नृप सोई, मोर जाव तब नगर न होई। आजु लगे अरुजब ते भय हूँ, काहू के ग्रह ग्राम ना गया हूँ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो उन्हें जाऊँ तब हो ही अकाजू, बना ही असमंजस आजू। सुनी मही से बोले मृदुबानी, नाथ निगम असनीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े सने है लगुन पर करही, गिर निज सिरन सदा तृण धरही। जलिधि अगाध मोली वह फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेणु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं, पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूली को धारण किए रहती है। अस कही गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागे दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल।
सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुधशिरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जान रपहिया अपने आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा, सत्य कहूं भूपति सुन तो ही, जगनाहिन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब सिकाज में करी हूँ तोरा, मन तन बचन भगत तय मोरा, जोग जुगति तव मंत्र प्रभाओ, फल ही तभी जब करी दुराओ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो, पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करहूँ रसोई, तुम पर सो मोहि जान न कोई, अन्न सो जोई जोई भोजन करही, सोई सोई तब आयसु अनुसरही। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊँ और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिन के ग्रह जे वही जो, तब बस हो ही भूप सुन सो, जाइयो पाई रचो रप एहु, संबत भरी संकल्प करे हु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन दुज सहस सत, बरेहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही करब जे विनार, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। नित्य नए 100,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना, मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, हो यही सकल विप्र वस तोरे, करी है विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं यही वेश न आऊ बकाऊ, तुम्हरे उपरोहित कहूँ राहा, हरियाणव में करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊँगा। तप वलते ही करी आप समाना, रखी हूँ इहा वर्ष परवाना, मैं धरिता सुवेश सुन राजा, सब विधि तोर संवार अवकाजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा, और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। गैन सी बहुत सयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे, मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचे हूँ सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ, आज से 3रे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा।
मैं आऊब सोई वे सुधरी पहचाने हूँ तब मोही। जब एकांत बुलाई सब कथा सुनावहु तो ही। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मैं वही पुरोहित का वेश धारण करके आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा तब तुम मुझे पहचान लेना। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। शयन की नृप आय सुमानी आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। शमित भूप निद्रा अति आई सो किमि सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था उसे खूब गहरी नींद आ गई पर वह कपटी कैसे सोता उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तुन से चरते हैं आवाज यही सू कर हो नृप ही भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा जाने सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेही के सतसुत अरुदस भाई खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथमय भूप समर सब मारे बिप्रसंत सुर देख दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे जो बड़े ही दुष्ट किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछल बयरु संहारा तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेही रिपुछे सोई रचिन उपाओ भावी वस न जान कछुराओ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावीवश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपुते जसी अकेल अपि लघु करी गनीय नताहु। अजहु देत दुख रवि ससिही सिर अवशेषित राहु। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम।